कि वो आ जाए अपने गुंडार दादाओं को लेके, अभी समय चाचा हो जाए चाचा यहाँ। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री विधायक को मोटी रकम पहुंचाते हैं तो विधायक के संरक्षण में खुले आम जनता को लूट लेने पर उतारू हैं। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री आपको कैसे न्याय मिल गया महिला का अपमान करके। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री कि पहले तो धन भर लूटता था, अब इज्जत भी लूटने लगा है। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री उसके साथ कई बार बलात्कार किए। जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा है। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री इनकी क्या बिसात। सिमरिया तहसील में पदस्थ एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार को हटाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। सिमरिया विधानसभा में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधिकारियों की तानाशाही रवैये के खिलाफ क्रमिक जन आंदोलन की चेतावनी पहले ही स्थानीय लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर दी थी। जनमानस के सहयोग से क्षेत्र के लोगों ने रैली निकालकर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को हटाने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने बताया कि जब तक इन दोनों भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा तब तक यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरे कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं अनशनकारियों का क्या कहना है। आपको बता दें कि एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री के खिलाफ लेन देन भ्रष्टाचार के साथ साथ अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी, भेदभाव और एक स्थानीय महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी आरोप लगा चुकी है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण का आरोप लगाए जाने के बाद भी अधिकारियों को नहीं हटाया गया, जिसके चलते अब क्षेत्र के लोगों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा है। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री इनकी क्या बिसात। समरिया की हर जन जन को पता है, मुकदमे से डर नहीं है। कितने हम लोगों ने यहाँ किनके किनके आशीर्वाद हम लोगों ने दिया है ये पता नहीं है उनको, और वो बेशरम यहाँ नहीं आएंगे कि आ जाए और एफ आई आर करना चाहते हैं तो कर ही दे। उनकी एफ आई आर में तो हम लोग मुकदमा लड़ लेंगे और हमारे एफ आई आर में तो उनकी पीठ लाल हो जाएगी साथियों, उनके पीठ में तो जगह नहीं मिलेगी बेशर्मों की। और अगर बेशर्म नहीं है, शर्म नहीं है तो मुझे चुनौती है इस मंच के माध्यम से चुनौती है कि वो आ जाए अपने गुंडा दादाओं को लेके, अभी समय चाचा हो जाए चाचा यहाँ। साथियों, मैं अपने टेंट के साथी से निवेदन करूंगा कि वह जनरेटर चालू कर दे और हम लोग अपनी व्यवस्था बना के चल वाले नहीं है। जनता के सीएम नीलमणि अग्निहोत्री और शिशापुर सर्किल का तहसीलदार अनुपम पांडे यहाँ से चला नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। चला काला बचे लेकिन यहाँ बैठे रहेंगे। यह टेंट तभी निकलेगा जब ये दोनों की विदाई हो जाएगी, और उसके पहले दूसरी विदाई ना हो मैं इसलिए प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वह उनको भी उनकी विदाई कर दी जाए, इसलिए कि यह सब कुछ फिर बाद में सुनने और देखने की बात रहेगी। साथियों, अब मैं अपने साथी अगर होता तो आप लिख करके सीधे जेल भेज देते। अब आपको महिला के शोषण और प्रताड़ना के
करे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो और किसी गरीब के साथ हो, किस दलित के, किस किसान के, उसके साथ न्याय ना मिले। और आपको कैसे न्याय मिल गया महिला का अपमान करके? आज यहाँ पर इतनी गरीबी छाई है, इतनी भुखमरी छाई है कि गरीब बेचारा जी नहीं पाता, पेट भर खा नहीं पाता। तहसील आता है एक कागज के 500 रुपया, 1000 रुपया, ये क्या यहाँ हो रहा है? ऑनलाइन के अलग दे पैसा, लिखाई अलग दे पैसा, फिर पटवारी साहब को अलग दे पैसा, सब जगह पैसा। मजदूरी करे वाला आदमी कहाँ पावे? किसान भाई की जब खेती नहीं तो पैसा नहीं तो कहाँ पावे? आज किसान भाई इतना परेशान है कि जो 30 दिन खेती करते रात में सब मवेशी खा जाते हैं। उसका एक डिसमिल का पट्टा था, कर ही नहीं रहते तहसीलदार साहब। 1 साल 2 महीने हो गए, 14 महीने, 1 डिसमिल 20,000 की जमीन खरीदा, कोई कह रहा है कितना दे दो, कोई कितना उतना दे दो, और वो इस तहसील के चक्कर लगाते 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 थक गया। बोला अब मैं जाऊंगा। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आवास योजना के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, दूसरी तरफ गरीब आदमी 1 डिसमिल जमीन खरीद के आवास का पैसा लेके घर बनाना चाहता है, तो पूरी ताकत के साथ तहसीलदार साहब कहते हैं कि उसका पैसे का हिस्सा हमें चाहिए। अरे पांडे जी, आप दोनों हाथ से गन्ना को जड़ से मत खा रहे, तो मिट्टी में वह घुस जाएगी, गन्ना और मिट्टी दोनों खराब हो जाएगी। दाल में नमक बराबर तो चलता है, नमक ही नमक मत खाओ, नहीं किडनी लीवर दोनों खराब हो जाएंगे। पांडे जी आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। एक आदमी है गुधा में, उसका पेट्रोल पंप है, जाति का पटेल है बेचारा, वो कह रहा था मेरे से कि भैया मैं तो 1 साल इनको 6 महीने से रजिस्ट्री दे के रखा हूँ, और जब भी मैं आता हूँ तो कहते हैं कि पेट्रोल के दाम नहीं पता कितना महंगा पेट्रोल हो गया, मैं तो गाड़ी से आता हूँ। बोले कई बार तो मैंने पेट्रोल दिया, और अंत में वो जो कई बार बोला तो उसको डांटा भी, हड़काया भी, और उसके नामांतरण निरस्त कर दिया, और सेम रकबे में एक व्यक्ति का 30 डिसमिल का नामांतरण उसी ने कर दिया। जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा है। जब तक एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, इनकी क्या विशाल बैठे का है कि क्या मांगे? यहाँ का जो एसडीएम है ये पूरी तौर से ये कह लीजिए कि सत्ता के सहयोग से, यहाँ का जो विधायक है उसने कह रखा है कि जनता को लूटो और पैसा पहुंचाओ, खुले आम लूट मची है। यही कर्म तहसीलदार पांडे कर रहा है, यही कर्म थाने के लोग कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे लोग विधायक को मोटी रकम पहुंचाते हैं, तो विधायक के संरक्षण में खुले आम जनता को लूट लेने पर उतारू है। हफ्ते भर पहले आप कलेक्टर साहब से मुलाकात किए थे, अभी तक हड़ताल नहीं हटा गया उनको, तो आगे आप धरने बैठे, क्या आगे? आगे हमारे पास तो धरना है, हमारा अधिकार धरना देना है, तो ये धरना तब तक चलेगा, देखते हैं कितनी दम सरकार में है और कितना दम जनता में। देखिए ये जनतंत्र है, जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा है, इनकी क्या विशाल। धरना बंद करने के लिए भाजपा दबाव कर रही है, भाजपा कल पुलिस भेजी थी, आज बिजली कटवाई है, हम कल भी जीते हैं, पुलिस के रोक के बाद हमने टेंट लगा लिया है, आज बिजली के बाद भी हमारा माइक चल रहा है। हर लड़ाई आप देखोगे, आप बीच बीच आते रहना कि हम इनके दमन को किस तरह से कुचलते हैं, वो जीत हमारी होगी, और पूरे विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इनको जाना पड़ेगा। अभी एसडीएम ये तो खुद इतना गलत फंसा हुआ है कि पहले तो धन भर लूटता था, अब इज्जत भी लूटने लगा है। महिला ने इसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत की है, प्रशासन चुपचाप दबा बैठा है। उस बारे में कानून ये है कि महिला के बयान के आधार पर इसे तुरंत मुलजिम बनाना चाहिए, जो काम अभी तक प्रशासन ने नहीं किया, न्यायालय खुला है, न्यायालय से होगा, इन्हें जाना तो पड़ेगा। इज्जत के साथ चले जाएं तो अच्छा होगा, नहीं ये सिमरिया है।
यहाँ से बड़ा स्वागत ले लेके पुलिस वाले भी गए हैं, एसडीएम भी गए हैं, तहसीलदार भी गए हैं। तो आज यदि इज्जत से नहीं जाते तो फिर जैसे जाएंगे वैसे जाना पड़ेगा ही, ये पक्का। जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा है। जनता के एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, इनकी क्या विशाल ऐसा है, ये सिमरिया सब दिन संघर्षों की धरती रही है। यहाँ से निर्विवादित निष्काम कर्मयोगी जनतंत्र के साये से निकले हुए कई ऐसे हमारे पूर्व नेता थे जिन्होंने सिमरिया को संभाला संवारा, और रीवा जिले में सिमरिया एक ऐतिहासिक जगह थी। ऐसे ऐतिहासिक जगह को हम लोग बचपन से 48-49 साल हो गया, जब बचपन में थे तब भी सिमरिया ये तहसील थी, और सिमरिया में नमक के दाल में जैसे नमक होता है उसके बराबर ना कहिए कोई बाबू वबू कहीं कुछ कर ले, लेकिन इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो आज वर्तमान में है, और हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार तब होगा जब हम जनप्रतिनिधि हम जब चाहेंगे कि भ्रष्टाचार हो तब से व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारी पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार आई तो ये नीलमणि अग्निहोत्री जी को यहाँ से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद भी इन्होंने प्रतिष्ठा बना लिया और प्रतिष्ठा बना करके सिमरिया में पुनः प्रवेश किए। एक तरफ अग्निहोत्री जी कहते हैं कि हम वो हमारे पूर्वज लोग जो है तो राजाओं के वो रहा करते थे, गुरु राजगुरु हैं हम। राजगुरु का मतलब ये होता है कि जो सम्मान से जहाँ बैठाया जाए वो वहाँ बैठे, ये नहीं कि ये घटिया कार्य करें। अभी मुझे सुनने में आया है कि एक पहाड़ी अंचल की कोई एक महिला थी, जो महिला अपने किसी कार्य के वास्ते नीलमणि अग्निहोत्री जी के संपर्क में गई तो नीलमणि अग्निहोत्री जी ने उसे झांसा बता करके जेल भिजवाने का दोष बता करके उसके साथ कई बार बलात्कार किए, और उस जब बलात्कार किए उसको तकलीफ हुई तब वो फिर प्रशासनिक तरीके से पुलिस के कप्तान को तमाम सब को अपनी बात रखी, तब वो कहने लगे कि मैंने काम नहीं किया इसलिए वो कांग्रेसी और तमाम मिलके वो करा रहे। ऐसा कोई करता है, इज्जत के लिए संसार लुटा देता है। केस कली जी हमारी महिला हैं और इस क्षेत्र की नेता हैं कांग्रेस की, ये अपने इज्जत सम्मान के लिए नहीं बल्कि हम लोगों की इज्जत के लिए पूरा जी जान लगाने के लिए तैयार रहती हैं। मुद्दा सबका लगभग एक ही है, सवाल इस बात का है कि सिमरिया में अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो गए हैं, और जो यहाँ नेता बन के आए हैं चार दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा है। जनता के एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, इनकी क्या विशाल बैठे हैं आप लोग? ये धरना हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक एसडीएम का ट्रांसफर और तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं हो जाता यहाँ से। जिन्होंने जिस प्रकार से लूट मचा के रखी है गरीबों के ऊपर भ्रष्टाचार का, उसी को हटाने के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं, और जब तक इनका यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता हम लोग धरने से नहीं हटेंगे और ये धरना समाप्त नहीं होगा। राजेंद्र द्विवेदी, जिस दिन जनता आंदोलित हो जाएगी तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा है। जनता के एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, इनकी क्या विशाल। ये हमारा एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेके हम लोग कभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए थे कि हमारे यहाँ व्यापक रूप से भ्रष्टाचार जड़ों तक फैला हुआ, गांवों तक फैला हुआ, और गरीब आदमी यहाँ पर परेशान हो रहा है, उसके कोई काम नहीं हो रहे, बिना पैसे दिए बिना उसके कोई काम नहीं होता, और अधिकारियों के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की जाती है लगातार। उसके लिए हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय से मिले थे और ये कहा था कि इनको आप एक हफ्ते के अंदर 17 तारीख के अंदर कहीं ना कहीं स्थानांतरित कर दीजिए, ये जहाँ भी रहेंगे एसडीएम और तहसीलदार ही रहेंगे, कोई बाबू तो हो नहीं जाएंगे। लेकिन वो मांगे अभी तक उन्होंने कलेक्टर साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे जितने लोग हैं कोई ढोई भीड़ नहीं है, ये सब सारे के सारे प्रताड़ित लोग हैं, गांव के आम लोग हैं, और उन चीजों को उन मांगों को लेके जब सरकार गरीब के ना सुने, सरकार के नीचे लोग होते हैं, सरकार की ओर एक टकटकी लगा के निगाह देखते हैं लोग कि सरकार हमारी मदद करेगी, जब सरकार ही तानाशाह हो जाए, सरकार में बैठे लोग तानाशाह हो जाए, तो प्रजातंत्र पूरी तरह से खतरे में हो जाता है, और उसका सिर्फ एक तरीका निकलता है कि आप आंदोलन के तरीके से
आप अपनी बात रख सकते हैं और इन अधिकारियों के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन का एक तरीका अपनाया है और गांधीवादी तरीके से हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक ये लोग हट नहीं जाएंगे। और इन SDM तहसीलदार और यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, यहाँ पे TI चोर को छोड़ देगा और ईमानदार आदमी का टेंट उखाड़ने आएगा। यहाँ पर गांधीवादी तरीके से हम कार्यक्रम कर रहे थे, यहाँ पर कल TI आ रहा था, कह रहा था मैं आपका टेंट उखाड़ दूंगा और 307 और 302 के अपराधी थाने से छोड़ देगा। ऐसा नहीं होगा। TI साहब को भी ये सोचना पड़ेगा और यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। ये सिमरिया उस पर हम ज्यादा नहीं कह सकते, उस आरोप में क्या दम है क्या दम नहीं है वो पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस उस पर जांच कर रही है, जो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा वो तो अभी निश्चित रूप से विचाराधीन है, ऐसा हमने भी अखबारों के माध्यम से सुना है।